सार्थक बहुउद्देशीय संस्था व सकरदरा पुलिस चौकी संचालित ज्ञान मंदिर में रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होकर समाज में अपना नाम कमाए, मगर कुछ ऐसे भी माँ बाप होते हैं कि वे चाहकर भी आर्थिक कमी से अपने बच्चों को वो मुकाम नहीं दे पाते। क्या ऐसे बच्चों को पढ़ाई करके बड़ा मुकाम हासिल करने का हक नहीं है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, उन्हें भी हक है। इसीलिए शहर के सार्थक बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था एवं सकरदरा पुलिस थाने के संयुक्त विद्यमान से दक्षिण नागपुर के सोनझरी परिसर के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। यहाँ के लोग कचरा जमा करने का काम करते हैं, परिस्थिति को देख उनके बच्चों को भी यह काम करना पड़ता है। यह देख सकरदरा पुलिस थाने में खुफिया विभाग में काम कर रहे सुरेश सरदार ने यहाँ के बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया और आज सार्थक संस्था और संजय लहानी जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। शनिवार को इन बच्चों को अपनी संस्कृति पता चले, इसलिए रक्षाबंधन कार्यक्रम और किताब वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जोन के डीसीपी लोहित मतानी, सकरदरा थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल, पीसीएन न्यूज और नागपुर मेट्रो समाचार के संपादक इमरान शेख और सुनील सरदार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सार्थक संस्था के अग्रणी मेंबर इंस्पेक्टर जी पाटिल, सबसे पहले मैं सुनील सरदार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो पुलिस की तरफ से उन्होंने एक सोशल इनिशिएटिव लिया है जिसमें जो बच्चे हैं कचरा चुनने वाले के बच्चे या कोई जो ऐसे पिछड़े वर्ग के जो बच्चे आते हैं उनको किस प्रकार से सभी के साथ में लेके आना है, उनको शिक्षा प्रदान करके उनको अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्रदान करके, तो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो जाति प्रथा है वो कहने को तो संविधान लागू होने के बाद से उसको रद्द कर दिया गया, उसको गैर। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।